फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक दरवाजे की घंटी यानी कि एक डोरबेल बना के दिखाऊंगा। तो अगर आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो चलिए इसे किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले एक डोरबेल की यहाँ पर जो घंटी होती है वो आपको ले लेनी है। इस तरीके का स्विच, ये ऑन होने का अपने आप ऑफ हो जाता है। इसके बाद में आप कोई भी स्पीकर यूज कर सकते हैं, बड़ा स्पीकर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटा वाला स्पीकर यूज कर रहा हूँ। इसका फ्रेंड्स, आपको एक BC547 ट्रांजिस्टर ले लेनी है, देख पा रहा हूँ यहाँ पे। और इसके बाद में आपको एक BT66 नंबर की IC ले लेनी है। इस IC के अंदर ऑटोमेटिक पहले से एक म्यूजिक ऐड होता है, तो इस IC के पिन नंबर 2 पे आपको जो ट्रांजिस्टर उसका पिन नंबर बना आपको सोल्ड कर देना है। और इसके पिन नंबर 3 पे आपको ट्रांजिस्टर का पिन नंबर 2 आपको सोल्ड कर देना है कुछ इस तरीके से। देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैंने एक IC को यहाँ पर उल्टा लगा दिया, दूसरे ट्रांजिस्टर को मैंने नीचे की साइड में लगा दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कनेक्शन देख के सोल्ड कर लेना है। इसके बाद में फ्रेंड्स, आपको स्पीकर पे 2 वायर सोल्ड कर लेने हैं कुछ इस तरीके से, देख पा रहा हूँ यहाँ पे। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ इसका कनेक्शन आपको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको IC के पिन नंबर 1 पे आपको स्पीकर का 1 पॉइंट सोल्ड कर देना है और ट्रांजिस्टर का पिन नंबर 3 पे आपको स्पीकर का दूसरा पॉइंट सोल्ड कर देना है, यानी कि रेड वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका कनेक्शन कर लेना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक 3.7 वोल्ट की बैटरी ले लेनी है। वैसे आप इसमें 5 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट तक ईजिली दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसका कनेक्शन कर लिया है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो स्विच का रेड वाला वायर है वो मैंने IC के पिन नंबर 1 पे दे दिया है और स्विच का दूसरा वायर मैंने बैटरी के नेगेटिव पॉइंट पे दे दिया है। बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट मैंने IC के बीच वाले पॉइंट पे दे दिया है। तो देख पाऊंगा यहाँ पे किस तरीके से हमारी जो डोरबेल है वो वर्क कर रही है। इस तरीके से आप इसका सही से कनेक्शन करके आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो इस वाले IC के अंदर एक पहले से म्यूजिक ऐड होता है, इससे आप एक डोरबेल बना सकते हैं, सिक्योरिटी अलार्म बना सकते हैं। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। तो इस 3.7 वोल्ट की बैटरी को आप 3.7 वोल्ट की चार्जिंग किट से इजीली चार्ज कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, आप उस चार्जिंग किट को घर पर बना सकते हैं। सारा सर्किट को आपको अंदर की तरफ फिट कर देना है, स्विच को आपको दरवाजे के बाहर लगा देना है। तो ये इस तरीके से आप इसे घर पर बना के यूज कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स, अगर आपको इसे बनाने में कोई भी दिक्कत आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।